कौन? सभी मैं हूँ हरिनी। ताई किरण तो नहीं है ना आसपास? नहीं बाड़ा, मैं एकटीच है। दरवाजा खोल जल्दी। सभी तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? अपना प्लान काम कर गया ताई। देख सिंपल सी डील है, अगर तू राजी हो जाए तो सबसे पहले मैं स्टोर रूम का कमरा बिल्कुल साफ करा के ना बेडरूम बना दूंगा तेरे लिए। तू आराम से जाके उधर शिफ्ट हो जा, फिर जब भी मेरा मन करेगा रात में मैं मैसेज करूंगा तेरे को, तू कमरे का दरवाजा खोल देना, मैं आ जाऊंगा। और उसके बाद सिर्फ तुझे मेरे साथ कोऑपरेट करना है। अरे तो अपने ताई की टेंशन मत ले, अरे वो बेवकूफ है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं ताई, ताई आप प्लीज आप मत रोइए, ये घटिया आदमी के लिए आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस आदमी पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे घिन आ रही है सभी। मुझे सोच के अजीब सा लग रहा है कि ऐसा राक्षस आदमी मेरा पति है और मेरी मजबूरी तो देख, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अपने होने वाले बच्चे के खातिर मुझे इस दरिंदे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब मैंने अपने आप को बहुत मजबूर, बहुत लाचार महसूस कर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ऐसे कहीं जाने के लिए मेरे पास कोई जगह भी नहीं है। नहीं ताई आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, मैं खुद ये वीडियो ना बड़ी आजी को दिखाऊंगी, वो खुद यहाँ पे आपको लेने आएंगे, वो आपको रहने नहीं देंगे इस आदमी के साथ। सभी नहीं समझेगी, उनके लिए ना उनकी इज्जत, उनका नाम ही सबसे ऊपर है और कुछ नहीं। किरण ने इससे पहले भी मेरी जिंदगी नरक बनाई थी, पर तू जानती है उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं दिया। और अब जब मैं मां बनने वाली हूँ, तुझे लगता है वो मुझे किरण को छोड़कर जाने देगी? नहीं सभी, तू भूल गई कैसे आज ईशा मैम को भला बुरा बोलती थी, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ईशा मैम अपने पति को छोड़ के अकेले रहती थी, अकेले अपनी जिंदगी बिता रही थी। तो जो सोच रही है ना सब, नहीं हो सकता। तो कोई और रास्ता निकालेंगे, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पूनम, अब मेरे बारे में चिंता करना छोड़, तू सिर्फ अभी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर, सबसे ज्यादा जरूरी। वो तो मैं करूंगी ताई, उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिया, कल कॉलेज में जाके सबको दिखा दूंगी। किरण सावंत को तो मैं एक्सपोज करके ही रहूंगी।